हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रियलमी 8i के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन लॉक करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। जब आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको लॉक करने होते हैं अपने एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिगार्ड। जैसे आपके फ़ोन में आपके बहुत सारे गेम होते हैं जो आपको लॉक करके रखने होते हैं, और आपकी गैलरी होती है जिसमें आपके बहुत सारे फोटोज होते हैं जो आपको लॉक करके रखनी होती है। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने तो हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। बाकी गाइस वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। अब आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो सबसे पहला ऑप्शन देखो मिल जाता है आपको अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ ऑप्शन देखो मिल जाता है ऐप लॉक। यहाँ आपको सबसे नीचे ऑप्शन देखो मिल जाता है यू माइट बी लॉकिंग फॉर ऐप लॉक। यहाँ से आप अपने फ़ोन के अंदर ऐप लॉक लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ देखने के लिए ना मिले तो यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, आपको एक ऑप्शन देखो मिल जाता है अपने फ़ोन में प्राइवेसी। सिंपली हम प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखो मिल जाता है ऐप लॉक। सिंपली हम यहाँ से ऐप लॉक पर क्लिक कर लेते हैं। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद जब आप पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ से पूछेगा सेट पासवर्ड, आप अपने एप्लीकेशन पर कौन सा पासवर्ड लगाना चाहते हैं। सिंपली हम सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पासवर्ड लगा रहे हैं, हम पासवर्ड ना लगा के हम लगाएंगे अपने फ़ोन में पैटर्न। तो ऑप्शन मिल जाता है यूज ए डिफरेंट टाइम पासवर्ड टाइप, इस पर क्लिक करेंगे, पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे, और सिंपली यहाँ से हमने अपने एक पैटर्न डाल दिया, इसे हम कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, ये पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर वन टीचर। यहाँ से हम अपने टीचर का नाम दे देते हैं, यहाँ से अपने टीचर का नाम दे देते हैं हम, जो भी आपके टीचर का नाम हो वो आप यहाँ से देख के एंटर कर देंगे, ऐसे हम कर देंगे डन। ये आपसे इसलिए पूछ रहा है वाई अगर फ्यूचर में कभी आप अपने फ़ोन के अंदर जो आपने ऐप लॉक पैटर्न डाला है वो भूल जाए तब आप इस क्वेश्चन की मदद से उसे रिकवर कर सकती हैं। अब जब आप इसमें ऐप अगर डन करेंगे उसके बाद आपको कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलते हैं, चार एप्लीकेशन। अब इन्हें चाहे तो आप लॉक कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो इनमें से आप किसी को अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से करके बताते हैं ब्राउजर को अनलॉक कर देते हैं, अभी तीन रह गए, इसे हम कर देंगे लॉक। लॉक करने के बाद ये पूछ रहा है यूज फिंगरप्रिंट, जो कि हमें नहीं करना है अभी। इस अब सामने आपके सारे एप्लीकेशन की लिस्ट ओपन हो जाती है। अब यहाँ से आपको और भी कोई एप्लीकेशन लॉक करनी है वो आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं, जो भी आपको लॉक करनी है। जैसे हम यहाँ से अपना ले लेते हैं फाइल मैनेजर ले लिया, इसे हमने लॉक कर दिया। ओके, यहाँ से ये लॉक हो चुका है। और भी आप कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं अपना यहाँ से जो आपको लॉक करना हो, सारे एप्लीकेशन कर दिए हमने यहाँ से। फिलहाल के लिए हम अपने फ़ोन में इतना ही रहने देते हैं अभी यहाँ से। अब आपको चेक करा देते हैं हमने जो एप्लीकेशन पर लॉक लगाया है वो हमारे लॉक लगे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। जैसे आप बैक आ जाते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं हमने फाइल मैनेजर पर लॉक लगाया था, फाइल मैनेजर ओपन करेंगे, हमारा लॉक मांग रहा है, अपना लॉक एंटर कर देंगे, फाइल मैनेजर आपका ओपन हो जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं हमने व्हाट्सएप पर लॉक लगाया था, व्हाट्सएप पर हमारा लॉक लग चुका है। तो इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन हो चुकी हैं सारे लॉक। इन फ्यूचर का भी आपको जरूरत पड़ती है कि एप्लीकेशन हमें अनलॉक करनी है, जो हमने जिन्हें लॉक करें वो अनलॉक करनी है तो कैसे करें। तो इन्हें अनलॉक करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से नीचे ले जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में चले जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद आपको नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ऐप लॉक पर जाएंगे, अपना पैटर्न एंटर करेंगे जो आपने डाला था। पैटर्न एंटर करने के बाद राइट साइड में आपको ऑप्शन दो मिल जाता है सो लॉग्ड ओनली, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, इन्हें एक एक करके आप यहाँ से ऑफ़ करा सकते हैं। सारे एप्लीकेशन को आप यहाँ से ऑफ़ करा देंगे, उन पर से आपके लॉक हट जाएगा, किसी भी एप्लीकेशन आपका लॉक नहीं रहेगा। जो कि हम आपको चेक करा देते हैं हमारे फाइनल यहाँ कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, सिंपली हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं। जैसे हमारा व्हाट्सअप था, व्हाट्सअप डायरेक्ट अनलॉक हो रहा है, फाइल मैनेजर था, फाइल मैनेजर भी डायरेक्ट ओपन हो रहा है हमारा, और यहाँ से हमारी गैलरी थी, गैलरी भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट ओपन हो रही है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।